अब देश के राजा से अगर आपकी दोस्ती हो और राजा आपके लिए आसन छोड़ के आपको गले लगाए, तो क्या बाकी जो मंत्री हैं या आसपास के लोग हैं, क्या वो आपका सत्कार नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि आप राजा के दोस्त हैं। तो जब उस ओंकार की ही भक्ति करने लग गए, तो क्या बाकी देवी देवता जो सारी सृष्टि का पालन पोषण संभालने के लिए मालिक ने पैदा किए हैं, क्या वो खुश नहीं होंगे जब आप उसको अपना बना लेंगे, उस सुप्रीम पावर को जो हम सबके अंदर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में। तो इसलिए उस मालिक का नाम, वो तरीका, वो मेथड, वो युक्ति जिसे गुरु मंत्र नाम दीक्षा हिंदू धर्म में कहा गया, गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं, भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किए हों, वो लोगों को बताता है कि भाई हम भी इंसान हैं, हमने मालिक के भगवान के ये नाम का जाप किया, हमें उसकी दया में रहमत हुई, कृपा हुई, तो हमें अगर इंसान हो कि उसकी भक्ति करने से उसकी कृपा दृष्टि होती है, तो आप भी इंसान हैं। आप अगर उसी मूल मंत्र का जाप करोगे तो आप पे भी कृपा दृष्टि होगी, आपको भी दर्शन जरूर होंगे। ऐसे शब्दों को कहा जाता है गुरु मंत्र। गुरु का अपना मंत्र नहीं होता, होते वो मालिक के शब्द हैं। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, उसी को कलमा कहा जाता है इस्लाम धर्म में, कलमा रूहानियत में, सूफियत में, सिख धर्म में नाम शब्द, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो वो शब्द हैं जिनका अभ्यास करने से, जिनको गुनगुनाने से अंदर ही अंदर आपका विल पावर बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, और उस आत्मबल के सहारे आप बाहर अंदर बुलंदियों को छूते चले जाते हैं, बुलंदियों को हासिल करते चले जाते हैं। असफलता दम तोड़ देती है और सफलता आपके जीवन में लिखी जाती है। तो आप परेशान ना हो अगर आप कहीं फेल हो रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। चिंता किसी चीज का हल नहीं, बल्कि चिंता ऐसी चिता है जो जीते जी आदमी को जलाती रहती है। चिता तो एक बार जला के काम तमाम कर देती है, पर चिंता रूपी चिता आदमी को जिंदगी में पता नहीं कितनी बार मारती है, और जब खत्म होती है तो आदमी जिंदा होता है। तो इस चिता से, इस चिंता से मुक्ति हासिल करना चाहो तो आपके अंदर आत्मबल आना चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए, और आत्मबल आता है मालिक के नाम से। जितने मर्जी दिखावे कर लो, जैसे मर्जी प्यार का प्रगटावा कर लो, जब तक सुमरण नहीं करते, जब तक भक्ति नहीं करते, आत्मबल नहीं आता, और आपका मन आपके काबू में नहीं आ सकता, आप चिंता से मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। और आत्मबल को बढ़ाने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरपैथी, किसी के पास भी ऐसी कोई दवा नहीं जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाएगा, ऐसी कोई दवा नहीं। आत्मबल बढ़ता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होती है ओम हरि अल्लाह गॉड के नाम से।